हमारी मस्जिदें हमारे माशरे पर असरंदाज होने वाले अवामिल में मस्जिदों की अहमियत गैर मामूली है नबी अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत इनके बारे में क़ायम की वो ये थी कि इनमें में नमाज़ जुमह का खिताब और उसकी इमामत अमीर रियासत और उसके उम्माल करेंगे उनके अलावा कोई दूसरा शख़्स अगर किसी हजत श्ररिए की बिना पर उनकी माजूरी की सूरत में इस मकसद के लिए मेंबर पर खड़ा होगा तो उनकी इजाज़त से और उनके कायम मकाम की हैसियत से खड़ा होगा यह दर हकीकत ख़ुदा के आखिरी पैगंबर की तरफ से इस बात का ऐलान था कि दीन हक में मस्जिद ही अवान इकतदार है यहाँ कोई पोप है न ब्राह्मण मुसलमान जिसे अपनी सियासत का इमाम बनाएंगे उनकी इबादत का इमाम भी वही होगा मजहब व सियासत की हर तफरीक अब हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो ख़िलाफ़त आपके सहाबा ने कायम की उसमें यह सुन्नत पूरी शान के साथ कायम रही लेकिन बाद के ज़मानों में जब हुक्मरान अपने आमाल की वजह से लोगों के रूबरू खड़े होने के काबिल न रहे तो मस्जिदों का मेम्बर ख़ुद उन्होंने उलमा के स्पुरद कर दिया ये हमारी तारीख़ का सबसे ज्यादा अलमंगेज़ हादसा है इसके नतीजे में अब हम देखते हैं कि मजहब अपने जलाल और सियासत अपने जमाल से महरूम हो गई है वो जिन्हें सरफराजी हासिल होनी चाहिए थी सदियों से सर निगुँह हैं और जिन्हें सर निगुँह होना चाहिए था उन्होंने इस तरह सर उठाए हैं कि उन्हें झुकाने की कोशिश की जाए तो हज़ारों फितने सर उठाते हैं मस्जिदें मुखलिफ़ फ़िरकों के हिसार हैं जिनमें बैठ कर उनके सरखैल एक दूसरे पर संगबारी करते हैं जुमा के मेंबर से जो रियासत उन्हें हासिल हुई है उसने पेशावर मौलवियों का एक ऐसा ग्रोह हमारे माशरे में पैदा कर दिया है जिसका वजूद उलमा के लिए बायस नंग है ये जब किसी की मुखालफत में ज़ुबान खोलते हैं तो उससे कजदम बिखरते और अजदर फुंकारते हैं दावत हक का हर अलम्बरदार इनके तीरों से छलनी होता है और इल्म तहकीक हमेशा इनके पत्थरों की ज़द में रहते हैं हर मस्जिद का दरवाज़ा फ़िरका दाराना ज़लालतों की तबलीग के लिए खुला और क़ुरान और सुन्नत की खालिस दावत के लिए बंद है किसी साहिब इल्म के लिए मुमकिन नहीं कि वो अल्लाह के घर में बैठ कर तलीम दावत का वो फ़र्ज़ अदा कर सके जो उसके परवरदिगार की तरफ से उस पर आयद होता है हमारी मस्जिदों का ये बिगाड़ किसी साहिब नज़र से छुपा हुआ नहीं है इसकी असलाह यकीन उस सुन्नत को ज़िंदा करने ही से हो सकती है जिसका ज़िक्र हमने ऊपर किया है हमारे नज़दीक इसके लिए हसब जैल इकदाम ज़रूरी हैं एक रियासत में हर इंतज़ामी वहादत का मरकज़ उसकी जाम मस्जिद को करार दिया जाए और इंतजामी वहादतों की तकसीम इस तरह की जाए कि हर वहदत की जाम मस्जिद उसकी पूरी आबादी के लिए किफ़ायत करे दो तमाम वहदतों के लिए ज़रूरी इंतज़ामी दफातर और अदालतें इन जाम मस्जिदों ही से मुलक कायम की जाएँ तीन रियासत के सदर मकाम और हर सूबाई दारकूमत में एक मस्जिद को मरकज़ी जाम मस्जिद करार दिया जाए चार नमाज जुमा का खिताब और उसकी इमामत रियासत के सदर मकाम की मरक़ी जाम मस्जिद में सरबराह ममलकत सूबों में गवर्नर और मुख्तलफ़ इंतज़ामी वहादतों की जाम मस्जिदों में उनके उम्माल करें पाँच इनके अलावा तमाम मसाजिद में जुम्मे की इकामत ममनू करार दी जाए छः मसाजिद का अहमाम हकूमत खुद करें सात हर साहिब इल्म को हक़ हासिल हो कि वो जिस मस्जिद में चाहे अपने नुक़ नज़र के मुताबिक तालीम तदरीस और असलाह अरसाद की मजालस मनकद करें